माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर राष्ट्रीय संत स्वामी ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रविवार को नर्मदा के उत्तर तट स्थित रेवाधाम आश्रम में भगवान राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके पहले कपास्थल और रतनपुर फाटे पर विधायक सचिन बिरला और साथियों ने स्वामी जी और उनके 182 परिक्रमा वासियों का पुष्प वर्षा कर भावभीना अभिनंदन किया। स्वामी जी के मार्गदर्शन में राम जन्मोत्सव के अवसर पर यज्ञ, अभिषेक, कन्या पूजन, महाआरती व महाप्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। स्वामी जी ने भगवान राम के जन्म का वृतांत श्रोता वृंद को सुनाया। स्वामी जी ने समाज और परिवार में नारी के सम्मान के लिए आह्वान किया। स्वामी जी ने कहा कि नर्मदा की पवित्रता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुज नरेंद्र सिंह चौहान ने क्षेत्रवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। आज रामनवमी है, पूरे देशवासियों को रामनवमी की बधाई देता हूं। और 148 दिन हो गए हम लोग लगातार परिक्रमा करते हुए बड़वा में हमने प्रवेश किया है। इस बड़वा क्षेत्र में माँ नर्मदा के तट पे राम जन्म मनाने का सौभाग्य हमको कन्या पूजन, यहाँ भी यत्र पूजयन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, हमारे यहाँ कन्या पूजा का बड़ा महत्व माना गया है। और मैं इसी उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों से कहूँगा कि अपने घर में हो सकता है कि बेटा आपको मोक्ष प्रदान कर दे न कर दे, लेकिन कन्यादान होते ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि वेदों में शास्त्रों में लिखा है। मैं यही कहता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उनका सम्मान करें, उनके प्रति शिष्टाचार के साथ रहे। जीवन में हम पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी मानसिक विकृतियां बहुत उत्पन्न हुई हैं। मैं चाहता हूं कि इस कन्या पूजन के माध्यम से पूरे समाज के अंदर संदेश प्रदान कर दे, ये मातृ स्वरूपा, पितृ स्वरूपा, पुत्री स्वरूपा भाव रखते हुए उनके प्रति ऐसे भाव जो रोज़ नई नई बातें सुनाई देती है, इस तरह की बातें हमारे कान में न सुनाई दे। और माँ नर्मदा और भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करते हैं। प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूं कि आप हो सके नर्मदा को साफ करें न करें, इतना ही ध्यान रखिए आप नर्मदा जी में गंदगी न डालें। ये भी अगर आप ध्यान रखते हो तो निश्चित रूप से नर्मदा पवित्र रहेगी। निश्चित रूप से आज भी पूरे विश्व में माँ नर्मदा सबसे पवित्र नदी मानी गई है, जल की दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से और बाह्य और अंतर दोनों ही दृष्टि से माँ नर्मदा पवित्र है। यह अति प्राचीन विमलेश्वर महादेव मंदिर है, इसको सरकार ने जीर्णोद्धार के लिए क्या करना चाहिए? अब आर्कोलॉजिकली कई देवस्थान विभाग है, उसमें सभी प्रकार का अवस्थान। मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। जो हमारी पुरातत्व संस्कृति है, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए इसके प्रति सरकार ध्यान दे और उसको अच्छी तरह से पुनरपि प्रतिष्ठित करे, ये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ। रामनवमी के इस पावन पर्व पर मैं जितने भी परिक्रमावासी पूरे क्षेत्र और मध्य प्रदेश और पूरे देश को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और स्वामी जी ने जो बताया कि माँ नर्मदा इतनी पवित्र है, इतने संत महात्मा हैं, इनकी नर्मदा परिक्रमा करने से इतने शुद्ध स्थान है, यदि हमने उनके दर्शन कर लिए तो हम भी स्वाभाविक है कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ये हम नर्मदा मैया से कामना करते हैं और स्वामी जी इसी उद्देश्य को लेके चल रहे हैं हमारे परिक्रमा वासियों को। हमारी आदतें सुधारें, हमने एक एक बुराई स्वामी जी के समक्ष हमने छोड़ दी है। तत्पश्चात स्वामी जी के सानिध्य में पदयात्रा आगामी पड़ाव नावघाट खेड़ी दादा दरबार आश्रम के लिए रवाना हो गई। इस दौरान पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य, नर्मदा समग्र के मनोज जोशी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह काक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3,445 किलोमीटर की पैदल नर्मदा परिक्रमा से 3,160 किलोमीटर यात्रा पूर्ण हो चुकी है। यात्रा संयोजक तपन भौमिक ने बताया कि गत 14 नवम्बर को सीहोर जिले के आवली घाट से उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 182 श्रद्धालुओं ने नर्मदा परिक्रमा शुरू की है। यात्रा में 41 महिला श्रद्धालु सहित 182 श्रद्धालु शामिल है। यात्रा 1 मई को आवरी घाट पर समाप्त होगी। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।